सो अगर आप एक फोन पे यूजर हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग फोन पे के चार न्यू अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। चारों न्यू अपडेट क्या है, कैसे यूज़ करनी है, इससे अपने को बेनिफिट्स क्या होगा, सारा कुछ हम डीपली एक्सप्लेन किए। एक ही पार्ट को स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब से फोन पे आया है तो हमें बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट्स हुई है कि हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। आप फोन पे को यूज़ करके मनी को ट्रांसफ़र कर पाए हो। मनी के ट्रांसफ़र करने के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फोन पे NPCI ने 2016 में इसको डेवलप किया था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत ये डेवलप की गई थी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट अपडेट इसका है, जैसे कि मान के चलो आप फोन पे न्यू अकाउंट रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ अप टू 2000 ही मनी को ट्रांसफ़र कर पाओगे। इसके पहले क्या होता था कि अकाउंट रजिस्टर करने के बाद अप टू 5000 यानी 5000 तक फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम कर सकते थे, लेकिन अब UPI ने बहुत ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड को देखते हुए इस लिमिट को कम कर दी है, इन्हें डी इंक्रीज कर दी है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2000 का ही मिलेगा। आप UPI जब फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे तो आप इसको 2000 तक ही ट्रांसफ़र कर पाओगे। सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि जो आप 2000 ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये 2000 बैलेंस उस रिसीवर के बैंक में ट्रांसफ़र मतलब क्रेडिट होने में मैक्सिमम 4 घंटे या 4 घंटे लग सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये स्कैमर के खाते में जा रही है, तो आप उस बैलेंस को रिफंड या रिवर्स भी ले सकते हो। तो ये मुझे अपडेट जो है ना बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत लोगों को ये अपडेट मिल चुकी है और आप कमेंट में बताना कि क्या आपको ऐसा कभी हुआ या नहीं अकाउंट बनाने के टाइम, क्योंकि जब आप अकाउंट फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तभी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि आप 2000 ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। अगर ट्रांसफ़र कर भी लोगे तो 4 घंटे बाद अगले के अकाउंट में क्रिएट की जाएगी। सेकेंड अपडेट की बात करें तो पहले हम फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, UPI की बात करें तो UPI से हम एक दिन में यानी 24 आवर्स अंदर हम 1 लाख तक ही मनी को ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन फोन पे ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए इस मतलब लिमिट को इंक्रीज कर दी है। अब आप अप टू 5 लाख तक ट्रांसफ़र कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज तक ही ये चीज़ कर पाओगे, बाकी जगह आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। ये मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आप 1 लाख तक ही कर पाओगे, लेकिन हाँ ये 3 जगह पर आप 5 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। थर्ड अपडेट की बात करें तो अभी तक हम डेबिट कार्ड, ATM कार्ड को यूज़ करके ATM मशीन से पैसे तो विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अब NPCI का कहना यह है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, इसके तहत अब आपको ATM में मिलेगा ये फीचर्स। आप UPI पर खुद से एक फीचर्स को उसमें मनी को ऐड करके जनरेट करोगे, वहाँ से QR कोड को ATM पे जाके स्कैन करोगे और इंस्टेंट आप UPI से भी आप जितना चाहे उतना मनी को ट्रांसफ़र यानी विड्रॉ कर पाओगे। लास्ट अपडेट यानी 4 नंबर अपडेट की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप फोन पे पर बिना पैसा के ही मनी ट्रांसफ़र यानी कहीं पैसे पे करना है, डेबिट करना है शॉप में कहीं भी, तो आप कर पाओगे, जिसका नाम है UPI पे लेटर। ये UPI पे लेटर का बेनिफिट ये होगा कि आपको आपके अकॉर्डिंग यानी आपका क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपसे आपको कुछ लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। उस लिमिट को आप यूज़ करके 45 डेज के अंदर उस लिमिट को आप रीपेमेंट करना होगा। आप रीपेमेंट जब नहीं करोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा प्लांटिक तौर पर कुछ बैलेंस भी देने पड़ेंगे, लेकिन आप टाइम से पहले रीपेमेंट कर देते हो तो फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ पर आती है कि कौन कौन से बैंक की फीचर्स लेके आ चुकी है। अभी करंट में 2 ही बैंकों के अंदर ये फीचर्स मिला हुआ है, एक SBI जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की बड़ी बैंक है, और एक प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बैंक ICICI के अंदर ये फीचर्स अप्लीकेबल हो चुके हैं। आप जाके उसको एक्टिवेट करवा सकते हो, वो भी ब्रांच में आपको जाना होगा फर्स्ट इसको एक्टिवेट कराने के लिए। और फर्स्ट एक्टिवेट आप जब कराओगे तो आपको 127 या 125 रुपये ऐसे एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये चारों अपडेट आपको बस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गए हो किसी भी अपडेट के रिगार्डिंग तो आप इस ID पर मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।